नमस्कार, कमोडिटी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज सोमवार 21 जून। सबसे पहले अगर वीकली आउटलुक की बात करें तो पिछले एक हफ्ते के अंदर हमने काफ़ी बड़ी वॉल्टिटी पूरे कमोडिटी मार्केट में बनते हुए देखी है। हमने देखा M6 बुलडेक्स पूरे हफ्ते में 5% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया। हमने देखा था प्राइजेस 15,200 के करीब खुला और लो में हमने 14,434 का लेवल भी लगते हुए देखा। वहीं मेटल इंडेक्स के अंदर भी हमने देखा चाइना से जो सेलिंग की अपडेट आई थी उसके बाद पूरे बेस मेटल पैक के अंदर भी भारी गिरावट बनी। हमने देखा था पिछले हफ्ते 15,240 का लेवल ओपन होने के बाद नो डाउट प्राइजेस ऊपर में 15,300 की तरफ जाने की कोशिश की, बट एक बड़ी गिरावट थी जो हमने 14,380 का लो भी लगते हुए देखा। तो ओवरऑल 5.5% की गिरावट मेटल्स में भी आते हुए दिखी। सोने और चांदी में भी हमने देखा कि प्राइजेस के अंदर करीबन गोल्ड 4.5% और चांदी पहली बार 2021 के अंदर 6% से ज़्यादा की गिरावट वीक ऑन वीक दिखा रही है। क्रूड कहीं ना कहीं मैनेज करता हुआ रहा, प्राइजेस ने 5350 से 5180 के बीच में ट्रेड किया, बट उसके बावजूद हमने देखा डिमांड धीरे धीरे जो इम्प्रूव हो रही है शॉर्ट कवरिंग के चलते 2% के करीब की तेजी आते हुए दिखी, बट वॉल्यूम में कमी है जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसर्निंग है। नेचुरल गैस की बात करें तो हायर लेवल पे प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। 248 तक का लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, 247 तक का लेवल दिखाया है। एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि मेंथा में थोड़ी सी पुलबैक दिखा सकता है डिमांड कंसर्न्स को लेकर। बेस मेटल के अंदर हमने कॉपर को सबसे बड़ा फॉल आते हुए देखा 7.5% का, निकल में हमने 5% का। वहीं हम जिंक की बात करें, हार्मोनिक पैटर्न बना था जहां पे हमने करीबन 5% की गिरावट बनते हुए देखी है। एल्यूमिनियम में 2.5% की गिरावट और लेड में भी हमने गिरावट बनते हुए देखी है। M6 बुलडेक्स में अगर आज के सेशन की अगर हम बात करें तो प्राइजेस कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। टेक्निकली जब तक प्राइजेस 14,580 के ऊपर नहीं निकलता है जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंट है, हो सकता है प्राइजेस 14,380 तक का सपोर्ट ले सके, बट दिन के सेशन में हो सकता है प्राइजेस रिकवर करे डेटा पॉइंट को देखते हुए। बट अपसाइड जब तक 14,580 के ऊपर नहीं निकलता कोई मटेरियल अपसाइड नहीं रहेगा। सोनी में भी हमने 2 दिन की भारी गिरावट के बाद कहीं ना कहीं प्राइजेस 47,000 का एक रेजिस्टेंट ले चुका है। 46,550 से 47,000 के बीच में गोल्ड ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। बाय ऑन ड्रॉप स्ट्रेटेजी रखी प्योरली टेक्निकल पॉइंट पे, क्योंकि काफ़ी बड़ी गिरावट के बाद एक बाउंस एक्सपेक्टेड है। चांदी में भी 2580 का हमने इंटरनेशनल में लेवल टच कर चुके हैं। डोमेस्टिक मार्केट में 67,200 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो हो सकता है प्राइजेस दिन के सेशन में 67,000 का लेवल टच करें, बट सपोर्ट ले सकता है। क्रूड ऑयल में अभी भी तेजी बनी हुई है, क्योंकि जिस ढंग से हमने देखा वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो चल रहा है, इकोनॉमी ओपन हो रही है, डिमांड इंप्रूवमेंट है जो आज प्राइसेस को 5340 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं नेचुरल गैस के अंदर बिकवाली है, क्योंकि 240 के नीचे क्लोज होना कहीं ना कहीं टेक्निकली मार्केट में वीकनेस दिखाता है जो 234 तक का लेवल दिखा देगा। बेस मेटल के अंदर भी आज हम गिरावट देखेंगे। कॉपर ऑलरेडी की लेवल के नीचे है, 690 लेवल तोड़ने पे हम करीबन प्राइजेस के अंदर 687 तक का लेवल देख पाएंगे। जिंक के अंदर भी बिकवाली रहेगी जो 226 के टारगेट के लिए बेचा जा सकता है। निकल एलएमए पे आज पॉजिटिव दिखा रहा है, तो 1300 के नीचे वैसे भी ट्रेंड डाउन है, बाउंस करने पे हम बिकवाली करके चल सकते हैं। एल्यूमिनियम लेड में भी आज गिरावट रहेगी। एलएमए पे कॉपर डाउन है, जिंक डाउन है, निकल अप है, उसका एक रिफ्लेक्शन मिल सकता है, बाकी कमोडिटी पे सेल ऑन रन करना चाहिए। गोल्ड कल की पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद उभरने की कोशिश जरूर कर रहा है। रुपया फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा डोमेस्टिक मार्केट पे। जिस ढंग से हमने यूएसडी आईएनआर के अंदर बाउंस आते हुए देखा, डॉलर में बाउंस आते हुए देखा है, ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकता है। वीक्स इंडेक्स बढ़ा हुआ है, जिसका मतलब वॉलिटिटी कंटिन्यू मार्केट में रहेगी। डेटा पॉइंट की अगर हम बात करें तो आज यूएस से कोई डेटा नहीं है, यूरोप से हम ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच आते हुए देख पाएंगे। टेक्निकल चार्ट के ऊपर M6 बुलडेक्स की लेवल पे है, 15,500 के नीचे क्लोज करना एक नेगेटिव ट्रिगर रह सकता है, इस पे आप ध्यान रखिए। वहीं अगर गोल्ड की बात करें तो 46,500 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे, वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। क्रूड 5350 के टारगेट के लिए लेके चलना चाहिए। वहीं कॉपर अगर 700 के लेवल के नीचे कंटिन्यू होल्ड करता है तो कहीं ना कहीं ब्रीच ऑफ ट्रेंड लाइन रहेगा, जो 640 तक का भी लेवल आने वाले दिनों में दिखा सकता है, बट RSI पे ध्यान रखिए जो ओवरसोल्ड कंडीशन बता रही है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।